वेलकम बैक स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। हेयर इज अगेन आई एम विथ योर चैप्टर 4 मल्टीप्लीकेशन एंड गिवन हेयर इज एक्सरसाइज मेंटल मैथ 5 एंड 6। एंड स्टूडेंट, दिस इज योर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4। ओके, हेयर इज गिवन सम एग्जाम्पल्स, वन बाय वन आई एम डिस्कस विथ यू। आफ्टर दैट यू रिवाइज ऑल द सम्स प्लस होमवर्क इन योर एफसी कॉपी। लेट्स स्टार्ट योर एग्जाम्पल 1। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हेयर इज गिवन ए पार्ट, नंबर इज गिवन हेयर 396 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट अ टेबल 5 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 6। सो टेल मी स्टूडेंट, 5 6 जा, टेल मी फास्ट। करेक्ट, 5 6 जा 30। सो यू राइट डाउन हेयर 30 और 0। टेल मी, करेक्ट, हेयर इज राइट डाउन द 0। सो राइट डाउन हेयर 0। ओके स्टूडेंट, देन 3 इज कैरी टू योर नेबर्स। ओके स्टूडेंट, देन मल्टीप्लाई दम 5 मल्टीप्लाई 9। सो टेल मी स्टूडेंट, 5 9 जा, टेल मी फास्ट। करेक्ट, 5 9 जा 45। बट हेयर इज गिवन सम कैरी नंबर, नंबर इज 3। सो टेल मी स्टूडेंट, 45 प्लस 3 हाउ मच योर आंसर, टेल मी फास्ट। करेक्ट, योर आंसर इज 48। सो राइट डाउन हेयर 8 एंड अगेन 4 इज कैरी टू योर नेक्स्ट नेबर, सो राइट डाउन हेयर 4। ओके स्टूडेंट्स, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सो टेल मी स्टूडेंट, 5 3 जा, टेल मी फास्ट। करेक्ट, 5 3 जा 15 एंड हेयर इज गिवन नंबर इज 4, कैरी इज 4। सो टेल मी स्टूडेंट, 15 प्लस 4 हाउ मच योर आंसर, टेल मी फास्ट। करेक्ट, योर आंसर इज 19। सो राइट डाउन हेयर 1 9 19। ओके स्टूडेंट्स, देन मार्क अ साइन इज हेयर क्रॉस लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, देन मल्टीप्लाई द नंबर 2 मल्टीप्लाई 6। सो टेल मी स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 2 6 आर करेक्ट 12। सो राइट डाउन हेयर 2 एंड 1 इज कैरी। ओके स्टूडेंट, देन टेल मी स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई 9। सो 2 मल्टीप्लाई 9 हाउ मच योर आंसर, करेक्ट 18 एंड 18 प्लस 1 बिकॉज 1 इज कैरी है ना। ओके, सो 18 प्लस 1 हाउ मच योर आंसर, येस यू आर राइट, योर आंसर इज 19। सो राइट डाउन हेयर 9 एंड अगेन 1 इज कैरी, सो राइट डाउन हेयर 1। सो टेल मी स्टूडेंट, 2 3 जा, 2 3 जा करेक्ट 6 एंड 6 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच योर आंसर स्टूडेंट्स, येस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सो राइट डाउन हेयर 7। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स हेयर? नो, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज हेयर, ड्रॉ अ लाइन ओके लाइक दिस एंड एट द नंबर। सो टेल मी स्टूडेंट, 0 प्लस क्रॉस मीन्स 0, सो 0 प्लस 0 हाउ मच योर आंसर, येस योर आंसर इज 0। सो राइट डाउन हेयर 0। ओके, देन टेल मी स्टूडेंट, 8 प्लस 2 हाउ मच योर आंसर, येस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। सो राइट डाउन हेयर 10 10 और 0, करेक्ट, हेयर इज राइट डाउन ओनली 0 एंड 1 इज कैरी, सो कैरी मार्क इज हेयर। सो टेल मी स्टूडेंट, 9 प्लस 9 हाउ मच, करेक्ट 18 एंड 18 प्लस 1 इज येस 19। सो राइट डाउन हेयर 9 एंड अगेन 1 इज कैरी। ओके स्टूडेंट्स, सो टेल मी स्टूडेंट, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू हाउ मच योर आंसर, येस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 प्लस 7 इज इक्वल टू करेक्ट 9। सो राइट डाउन हेयर 9, वेरी गुड स्टूडेंट्स। देन गो टू योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट एंड हेयर इज गिवन ए एंड बी पार्ट एंड ए पार्ट गिवन नंबर इज 89 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू डैश। ओके स्टूडेंट, हेयर इज गिवन अ डैश, सो फिल द डैश। सो हाउ टू फिल द डैश स्टूडेंट्स, येस फर्स्टली मल्टीप्लाई देन राइट डाउन हेयर ओनली अ आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो 89 इंटू 21, लुक एट हेयर, हेयर इज डू अ रफ वर्क 82 20 मल्टीप्लाई बाय 21। ओके स्टूडेंट, साइड में आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है और वहां पर आपको अपना रफ वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो 81 मल्टीप्लाई 21, सो टेल मी स्टूडेंट, 1 9 जा, यस 9
and 1 8 ja correct 8. So write down here 8 or 9. Okay students, then go to your next number. Next number is 2. Then firstly mark a cross. Okay students, then 2 9 ja 18. So write down here 8 and 1 is carry. Okay students, and tell me student, 2 8 ja correct 16. And 16 plus 1, how much your answer? Yes, 1, 7, 17. So write down here 1 and 7. Okay, students? Then add the numbers. So here is given number is 9 plus 0. So tell me, student, 9 plus 0, how much your answer? Correct, 9. So write down here 9 and 8 plus 8 is equal to how much? Correct, 16. So write down here 6. Okay, student? Then write down here 6 and 1 is carry. So here is given number is 1 and 7. 1 and 7. 1 plus 7 is equal to how much? Correct, 8. So write down here 8 and next number is given here 1. So write down here 1. Okay, students. So your answer is 1869. So write the answer here 1869. Okay, students. Same as go to your B part. Do the B part. Here is given number is 2700 means 2700 multiplied by 3 is equal to dash. So firstly, look at here. Here is given how many 0? Yes, here is given 0 is 2. So firstly, write down here 2 0. Okay, students. Then multiply the remaining number. So remaining number is there 27 and 3. So multiply the number. Tell me, students. 3 7 ja. Correct. 21. So write down here 1. And 2 is carry. Okay, student. Then tell me 3 2 ja? Yes, 6. 6 plus 2 is equal to how much your answer? Correct, 8. So write down here 8. So your answer is 8100. Okay, student. Then go to your next part. Here is given word problems and given some example. Here is given question is, one box of an apple contains 48 apples. How many apples does 45 boxes contain? यहाँ आपको given है एक box है जिसमें apples given है, रखे हुए हैं apples. Okay, contain है box है जिसमें apples रखे हैं. कितने? How many? Yes, 48 apples. Okay, how many apples does 45 boxes contain? Same as यदि 45 boxes में वहां रखती हूँ. अभी कितने की बात की गई है? फर्स्ट लाइन में ओनली है 1 बॉक्स में 48 एप्पल्स है टोटल. ओके, बट इन योर नेक्स्ट लाइन गिवन इज टोटल बॉक्सेस आर देयर 45. ओके स्टूडेंट्स, सो टेल मी हाउ मेनी एप्पल इन अ 45 बॉक्सेस देयर. ओके, तो आपको यहाँ बताना है 45 बॉक्सेस के अंदर टोटल कितने एप्पल्स आएंगे. सो गो टू योर सोल्यूशन एंड हेयर इज राइट डाउन फर्स्टली अ प्लेसेस 1 10 100 एंड 1000, देन राइट द डिजिट 48 एंड 45. Okay, students, let's start your multiply. 5 multiply by 8. So, 5 8 ja correct 40. So, write down here 0 and again 4 is carry. Okay, students, so tell me, students, 5 4 ja correct 20. Okay, 5 4 ja 20 and 20 plus 4. How much your answer? Correct 24. So, write down here 2 4 24. Okay, students, any doubt here? No. So, let's start your next line. Here is firstly mark a yes cross, then start your multiply. So tell me, student, 4 8 ja correct 4 8 ja 32. So write down here 2 and 3 is carry. Then multiply the 4, multiply 4, 4 4 ja 16 and 16 plus 3. Here is given number is 3 na, carry number is 3. So 16 plus 3 is equal to how much? Yes, you are right. Answer is 19. So write down here 1919. Okay, student. Then draw a line like this and add the number. Here is mark a sign cross means 0. So 0 plus 0 is equal to 0 and 4 plus 2 is equal to correct 6. So write down here 6 and 2 plus 9 is equal to how much? Yes, 11. So write down here yes, only 1 and 1 is carry. Okay. So 1 plus 1 is equal to yes, 2. So write down here 2. Okay, students. Then same as you solve your next question. Next question is given. There are 24 hours in a day. हम सभी जानते हैं एक दिन में टोटल आवर कितने होते हैं?
Yes, 24 hour. Okay, how many hour are there in the month of February on an ordinary year? Okay, students, आप सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 hour होते हैं. Okay, in a one day, 24 are there. So, tell me, students, in a February month, how many days? Yes, 28 or 29. But in this question, given a ordinary year, not a leap year. Okay, so in a ordinary year, how many months, how many days in a February? Yes, 28. Okay, students, अगर इस question में आपसे पूछता है, in a leap year, in a leap year, so you write down a 29. But in a question given is ordinary year. So write down here, 28. Okay, students, so write down here, 28. Then multiply and write the answer, how many hours are there in the month of February. फिर हम यहाँ find out कर लेंगे कि February month में कितने hour होते हैं. Okay, students. So, let's start your multiply. Draw a line. So, tell me, students, 8 4 ja students. Tell me fast, 32. Yes, so write down here 2. Okay. So, write down here 2 and 3 is carry. Okay, students. And tell me, students, 8 2 ja. Yes. 8 2 ja 16. And 16 plus 3. How much your answer? Correct. 1 9 19. So, write down here 1 and 9. Okay, students. Then, go to your next number. Next number is given is 2. So, firstly, start a multiply. You mark a sign is. Yes. Mark a sign is. Cross like a multiply sign like this. Okay, let's start your multiply. 2 4 ja 2 4 ja, students. Yes, 8. So write down here 8. Then go to your next number, 2 2 ja. So tell me, students, 2 2 ja how much? Yes, 2 2 ja 4. So write down here 4. Okay, students. Then again draw a line. Okay, like this. And add the number. So, here is mark a sign 0 means multiply means 0. So, 2 plus 0 is equal to? Yes, 2. 2 plus 0 is equal to 2. So, write down here 2. Then go to your next number. Next number is 9 plus 8. So, tell me, friend, 9 plus 8 is equal to how much? Correct, 17. So, write down here 7 and 1 is carry. And here is given number is 1 plus 1 plus 4. So, 1 plus 1, correct. 2. So, 2 plus 4 is equal to how much? Yes. Your answer is 6. So, your answer is 672. Here is given question. In a question, how many hours are there in the month of February? So, tell me, student, how many hours in a month of February? Correct. 672 hours in a month of February. Okay, student. Now complete your topic. Look at here. Here is given your homework. In your first question, multiply the following. Given your here some parts A and B. Two parts are there. So multiply the number. Okay. Then go to your question number 2. Find the product. 51 into 61. Same as given here. B, C and D parts. Okay, students. And here is there given some words problem. A 1. Question 1, 2 and 3. So students, solve all the question in your FC copy. Okay. And students, यदि आपके पास book है, तो in your book given a miscellaneous question. Okay. Given a miscellaneous question. So students, miscellaneous question is your assignment work. So start your assignment work in your copy. And students, please solve all the sums and examples in your FC copy. And also you learn a table till 11 to 20. Okay, students. And students, subscribe the channel and press bell icon so that when the new video are uploaded, you can get the notification. Thank you. Take care and bye-bye.